Hello friends, welcome back to my YouTube channel that is Savvy Forensics. So friends, हमने इससे पहले व्हील लॉक गन्स की बात कर ली थी एंड उसके बाद में आज हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं फ्लिंट लॉक गन्स की. सो इस वाले टॉपिक में बेसिकली हम ये देखने वाले हैं कि फ्लिंट लॉक गन्स के जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, फ्लिंट लॉक गन क्या होती हैं एंड जो फ्लिंट लॉक मैकेनिज्म है वो किस तरह से वर्क करती है, उनकी पूरी प्रोसेसिंग कैसे कैसे होती है. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हम अपने आज के टॉपिक को. सो फ्लिंट लॉक गन्स अपियर इन 1630. जो फ्लिंट लॉक गन्स थी उनका जो डेवलपमेंट हुआ था वो अप्रॉक्स 1630 के अराउंड हुआ था. ठीक है, एंड इसमें जो था जो स्पार्किंग जनरेट करते थे हमारे गन पाउडर को बर्न करने के लिए, तो वो कैसे करते थे. द स्पार्क यूज टू इग्नाइट द गन पाउडर इन द टच होल वॉज सप्लाइड बाय अ शार्पेंड पीस ऑफ अ फ्लिंट क्लैम्प्ड इन द जॉज ऑफ अ कॉक which when released by the trigger struck a piece of steel called the frizzen to create the necessary spark. So इसमें जो स्पार्क होता था उसको जनरेट करने के लिए एक मेटल की स्टील की एक मेटल की एक प्लेट रहती थी जिसको कि हम फ्रिजन कहते थे एंड उस पर जो है हम एक स्टोन को हिट कराते थे. उसके लिए जो हमारा स्टोन रहता था उसको हम फ्लिंट बोलते थे. उसको हम जॉ लाइक स्ट्रक्चर रहता था उसके अंदर हम उसको फिट कर देते थे. ठीक है, सो जब वो स्टोन अपनी स्पीड से काफ़ी ज़्यादा स्पीड से आपके फ्रिजन पे मेटल की प्लेट पे गिरेगा तो उससे स्पार्क जनरेट होती थी एंड उसकी हेल्प से आपका जो गन पाउडर होता था वो बर्न होने लगता था, जिसकी वजह से टच होल से अंदर चला जाता था एंड आपका मेन चार्ज बर्न होगा, देन आपका प्रोजेक्टाइल जो है वो अपनी स्पीड में आ जाएगा, वो बाहर की तरफ निकलेगा. ठीक है, सो इस तरह से इसमें कुछ वर्किंग होती थी. द स्प्रिंग लोडेड आर्म दैट होल्ड्स अ पीस ऑफ फॉर और पाइराइट इज रेफर्ड टू एज अ कॉक बिकॉज ऑफ इट्स रिजेंबलेंस टू अ रोस्टर. सो इसमें जो एक स्प्रिंग रहती थी जो कि आपकी लोडेड आर्म में जो कि आपका पाइराइट दैट इज जो आपकी स्टोन रहता था, जो कि स्टोन यूज़ किया जाता था वो पाइराइट का होता था. ठीक है, सो उसके लिए जनरली पाइराइट स्टोन का यूज़ करते थे एंड उसको जो है हम मैनुअली जो है कॉक कर सकते थे. ठीक है, एंड इसका जो रिजम्बलेंस थी वो रोस्टर लाइक थी इसलिए उसको हमने कॉक बोला था. ठीक है, द कॉक हैड टू बी मैनुअली रिएक्ट आफ्टर ईच फायरिंग. जब भी हम हर बार फायरिंग करेंगे तो कॉक हमें मैनुअली करना पड़ेगा. द फ्लिंट हैड टू बी मैनुअली रीसेट आफ्टर ईच फायरिंग. हर फायरिंग के बाद में हमें वापस से फ्लिंट को रीसेट करना पड़ेगा एंड द फ्लिंट हैड टू बी रिप्लेस्ड पीरियोडिकली ड्यू टू वियर फ्रॉम द फ्रिजन. सो जो फ्लिंट हम यूज़ कर रहे थे तो वो भी हमें टाइम टू टाइम उसको चेंज करना पड़ेगा क्योंकि जब वो फ्रिजन पे हिट करता था तो जो आपका आपका जो फ्लिंट होता है तो उसमें कई सारे वियर एंड टीयर्स आ जाते थे जिसकी वजह से प्रॉपरली उसमें वर्किंग नहीं हो पाती थी, प्रॉपरली वो स्पार्क नहीं कर पाता था. ठीक है, तो इसलिए टाइमली आपको फ्लिंट को भी चेंज करना पड़ता था. एंड द फ्लिंट लॉक वॉज वाइडली यूज ड्यूरिंग द 19th एंड 18th सेंचुरी इन द मस्केट्स एंड राइफल्स बोथ. ठीक है, तो जो आपकी फ्लिंट लॉक गन्स थी वो 18th सेंचुरी एज वेल एज 19th सेंचुरी दोनों में ही मस्केट्स एंड राइफल्स में यूज़ करी जाती थी, बहुत ज़्यादा इसमें इस टाइम पर यूज़ होती थी. ठीक है, सो फ्लिंट लॉक गन्स ऐसे तो आपको कुछ क्लियर नहीं हो रहा होगा इसीलिए मैं यहाँ पर आपको एक डायग्राम की हेल्प से पूरी तरह से समझाने की कोशिश करती हूँ. ठीक है, सो इसमें जो मेन पार्ट है आपका फर्स्टली पैन है. पैन में जिसमें कि आप अपना जो गन पाउडर रहता है उसको रखते हैं, इसके जस्ट पास से टच होल रहता है, बाकी सारी चीज़ें बिल्कुल सिमिलर रहती हैं. जैसे पैन आपके हर तरह की मैकेनिज्म में हर तरह की गन्स में सिमिलर एक ही तरह से रहता है. ठीक है, बस उस पर जो है इसमें क्या कर दिया गया, ये एक जो देख रहे हैं ये मेटल की एक स्टील की मेटल की एक प्लेट है जिसको कि हमने नाम दिया है फ्रिजन. ठीक है, इसको हम बोलते हैं फ्रिजन एंड ये जो रहता है आपके जो पैन रहता है जिसमें कि आपका गन पाउडर रहता है उसको पूरी तरह से कवर रखता है. ठीक है, एंड यहाँ पर नीचे की साइड में आपकी फ्रिजन स्प्रिंग रहती है नीचे साइड में जो कि आपकी जब आप ट्रिगर को पुल करते हैं तो इस स्प्रिंग की हेल्प से आपका फ्रिजन वापस जाता है एंड वापस से आपकी पोजीशन पे आता है. ठीक है, तो जो आपका फ्रिजन है ये दोनों साइड में मूवमेंट इस तरह से कर सकता है, पीछे भी जाएगा एंड आगे भी जाएगा. ठीक है, फिर ये जो आपकी मेटल का आपको दिख रहा है इसमें आपकी ये जो है इसमें ये है जॉ स्क्रू, ये यहाँ पर दो जॉज हैं एक एंड दो, ये आपके जॉज हैं, ये है आपका जॉ को टाइट करने के लिए स्क्रू रहता है वो स्क्रू है एंड ये आपका हैमर है. ठीक है, मतलब ये हैमर से ही आपके जॉज अटैच है, इन जॉज के बीच में आपका जो फ्लिंट रहता है ये आपका फ्लिंट है, इसको इनके बीच में फिट कर देते हैं एंड जब हमें फायरिंग करनी होती है तो जैसे ही हम ट्रिगर दबाते हैं तो
ये जो आपका फ्लिंट होता है ये इसके ऊपर हिट करता है एंड काफ़ी ज़्यादा फ्रिक्शन होता है, जिसकी वजह से स्पार्क जनरेट होता है, ये पीछे की तरफ मूव करता है एंड जो स्पार्किंग होती है वो आपके जो गन पाउडर होता है वहाँ पे जाती है एंड स्पार्किंग बहुत ज़्यादा हो जाती है और टच होल की हेल्प से आपका अंदर चला जाता है एंड फायरिंग प्रॉपरली हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से आपका कुछ इसमें फ्लिंट लॉक गन से काम होता है एंड इसको अभी हम एक छोटी सी क्लिप है उसकी हेल्प से इसको देखते हैं कि इसमें प्रॉपरली किस तरह से वर्किंग होती है। ठीक है, सो अगर आप इसको देखेंगे तो ये आपको यहाँ पर एक फ्लिंट दिख रहा है, ये एक प्रिजन है। जैसे ही आप धीरे से उसको पुल करेंगे अपने ट्रिगर को तो तुरंत से वो हिट करता है एंड इतनी ज़्यादा स्पीड होती है कि बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन लगता है एंड स्पार्क जनरेट होता है एंड आपकी फायरिंग हो जाती है। ठीक है, एंड इसमें भी आपकी बहुत ज़्यादा लाइटनिंग होती है। ठीक है, तो इस तरह की आपकी पूरी प्रॉपरली वर्किंग होती है आपकी जो फ्लिंट लॉक गन्स होती हैं। ठीक है, सो ये पूरी मैंने आपको इसके बारे में अच्छे से डिस्कस कर लिया है किस तरह का इसमें वर्किंग होती है। इसके जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट्स थे वो आपका एक तो फ्रिजन है, एक पैन है, फ्रिजन स्प्रिंग भी है लेकिन वो मतलब ये है आपके फ्रिजन का ही पार्ट है। ठीक है, सो अगर आप फ्रिजन याद रखते हैं तो वही इंपॉर्टेंट है, वही सफिशियंट है। ठीक है, तो फर्स्ट वन इज़ फ्रिजन, सेकेंड वन इज़ पैन, थर्ड वन इज़ फ्लिंट। ठीक है, यही तीन आपके जो नेम है ये इंपॉर्टेंट है एंड जॉस तो आपको वैसे ही पता होगा कि जॉस के बीच में आपको फ्लिंट जो है फिक्स करना होता है। ठीक है, सो यहाँ पर ये मैंने पूरा आपको फ्लिंट लॉक गन्स के बारे में प्रॉपरली अच्छे से डिस्कस कर लिया है एंड आपको उसकी फंक्शनिंग भी पूरी अच्छी तरह से समझा दी है एंड दिखा भी दिया है एक छोटी सी क्लिप की हेल्प से। ठीक है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये इसका वर्किंग और पूरी तरह से आपको फ्लिंट लॉक गन्स के बारे में समझ में आ गया होगा एंड ये वाला वीडियो यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसके बाद में हम नेक्स्ट बात करेंगे परक्यूजन कैप गन्स के बारे में। ठीक है, एंड अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ 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 लाइक कर दीजिएगा एंड प्लीज़ शेयर भी कर दीजिएगा एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा क्योंकि एवरी मंडे वेंसडे एंड फ्राइडे को यहाँ पर फॉरेंसिक साइंस से रिलेटेड इसी तरह की बहुत सारी वीडियोस आती रहती हैं एंड ऑलरेडी बहुत सारी अपलोड हो चुकी हैं, तो अगर आपने वो नहीं देखी है तो प्लीज़ देख लीजिएगा एंड इससे आप ही को बेनिफिट होने वाला है एंड नेट के एग्जाम में अगर आप ये सारे वीडियोज़ देख के जाएंगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस नेट के एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, एंड बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा फॉर डेली अपडेट्स एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी हेयर।